सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वोन फोर्ट के बारे में इस नर्वोन फोर्ट कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है कैसे लेना है क्या प्राइस है ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा तो सबसे पहले जो हम प्राइस शुरुआत करते हैं अगर आप ये नरविन फोर्ट लेते हो तो ये आपको टू थर्टी में मिलेगी जिसमें कि एक स्ट्रिप आईगी जिसके अंदर 10 कैप्सूल रहेंगी तो देखिए प्राइस जो है समय के अनुसार बढ़ता रहता है तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है और ये जो है इपका लेप बालों की है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है अब इसको खरीदना कहाँ से है तो देखिए जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो अब इस नरविन फोर्ड कैप्सूल में क्या क्या है या फिर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो देखिए इसमें है मेक कोबलामिन जिसको आप विटामिन बी टूल्व नाम से जानते हो ये रहेगा 1500 हंड्रेड में इसके अलावा है इसमें अल्फ़ा लिपियोक एसिड जो कि एक एंटी है ये रहेगा हंड्रेड एम में इसके अलावा है इसमें एनोसीटोल जो कि हंड्रेड एम में रहेगा और इसके अलावा है इसमें फॉलिक एसिड जिसको आप विटामिन बी नाइन भी बोलते हो ये रहेगा 1.5 पॉइंट में और इसमें है क्रोमियम 200 हंड्रेड में है सिलेनियम है 55 फाइव एम सी में और बेनफो थमामाइन है जिसको आप विटामिन बी वन भी बोल सकते हो ये रहेगा डेढ़ सौ एम जी में अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं इससे क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप ये नर्विनफोर्ड कैप्सूल लेते हो तो देखिए ये जो है आर बी सी को बढ़ाती है और आपको जो है खून की कमी नहीं होने देती है या फिर आपको अगर एनीमिया है खून की कमी है तो उस कंडीशन में भी इसको आप ले सकते हो इसके अलावा ये जो है सेल के ग्रोथ के लिए या फिर सेल के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी अच्छी है और सेल्स को जो है डैमेज होने से भी बचाती है इसके अलावा ये जो है कैल्शियम विटामिन ई e और विटामिन सी के लेवल को मेंटेन भी करती है इसके अलावा इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन के लिए और ये जो है नसों में ताकत के लिए काफ़ी अच्छी है अगर आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं नसें डैमेज हो गई हैं नसों में कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है ये इसके अलावा अगर आपको साइटिका है अब साइटिका में होता क्या है कि जनरली हमारा जो एक पैर होता है कोई भी पैर चाहे लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो तो उसमें जो है झुनझुनी जैसा होता है सुनपन आ जाता है ऐसा लगता है कि चीटियाँ काट रही हैं कोई सुई चुबा रहा है इस प्रकार से ऐसा लगता है तो उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी ये मेडिसिन है इसके अलावा डायबिटिक अब डायबिटिक न्यूरोपैथिक में काफ़ी अच्छी है अब डायबिटीज़ वालों को होता क्या है कि उनकी पैर की नसें और हाथों की नसें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और समय के अनुसार जो है उनकी नसें डैमेज होने लगती हैं तो उस कंडीशन में जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसको ले सकते हैं कई डॉक्टर भी देते हैं इसके अलावा अगर आपको घबराहट जैसी लगती है तो उस कंडीशन में भी इसको ले सकते हैं या फिर आपको स्ट्रेस है ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं ज़्यादा चिंता करते हैं डिप्रेशन में है उस कंडीशन में भी आप इस नर्वोन फोर्ट कैप्सूल को ले सकते हो अब हम बात करते हैं डोज के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए एक कैप्सूल आपको एक दिन में एक ही बार लेना होता है और इसको जो कुछ भी खाने के बाद आप ले सकते हो चाहे आप नाश्ता करो या खाना खाओ उसके 15 से 20 मिनट बाद आप इसको ले सकते हो और मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है और प्रेग्नेंट लेडी को बिना गायने के लॉजि से सलाह करे बिना इस मेडिसिन को नहीं लेना है अब हम बात करें साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो अगर आपको शरीर में खुजली होती है या शरीर में रेसेस आ जाते हैं या फिर फेस में पिंपल्स आने लगते हैं या फिर आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और आप चाहें तो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं लेकिन इस टाइप के जो तो साइड इफ़ेक्ट हैं हर किसी को नहीं होते हैं बहुत ही कम लोगों को होते हैं तो ऐसा होता है तो आप उस कंडीशन में इस कैप्सूल को लेना बंद कर सकते हैं अब इधर कोई दूसरी मेडिसिन आप पहले से ले रहे हैं जैसे कि कोई मल्टी विटामिन तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं तो मैं मना करूंगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे विटामिन हैं एक प्रकार से मल्टी विटामिन आप इसको बोल सकते हो लेकिन इधर कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हो जैसे कि कोई डायबिटिक की बीपी की तो उसके साथ बिल्कुल इसको ले सकते हो तो देखिये मल्टीविटामिन के साथ अगर आपको ये नर्वोन फोर्ट को लेना है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी अब देखिए कब तक लेना है तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है कितनी बड़ी समस्या है आप इसको एक से तीन महीना लेकर देख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए अब रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप अगर इसको एक महीना लोगे ना तो एक महीने बाद ही आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा या किसी किसी को जो है दस से पंद्रह दिन में ही फायदा मिलने लगता है तो वो हर पर्सन पर डिपेंड करता है रिजल्ट हालाँकि एक महीना जरूर आप लेके कर देखें इसको अब जरा मैं एडवाइस देना चाहूंगा अगर आप ये नर्वन फूड कैप्सूल लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है और जंक फूड फास्ट फ़ूड फ्राई खाना ज़्यादा फ्राई खाना मीठा खाना मैदे से बनी चीज़ें ये सब नहीं खाना है ये सब जो है बेकार होता है आपकी हेल्थ के लिए आपके अंदर जो नशे हैं उनके लिए तो इसके अलावा आप फाइबर वाला खाना खा सकते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फ्रूट ना खाएं और इसके अलावा आप दूध पीजिए हल्दी वाला दूध पीजिए काफ़ी अच्छा होता है और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अगर आपको एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप वॉकिंग कर सकते हैं पैदल चल सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा और आपकी नसें भी सही रहेंगी और साथ में जो है आप इस नर्वन फोर्ट कैप्सूल को भी ले सकते हो तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा और अभी को डाउट है इस नर्वन फोर्ड कैप्सूल को लेकर तो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रहिए हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन